हेलो स्टूडेंट्स, मैं बालमुकुंद मौर्य आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान एक्सपी पे स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको एक पार्ट में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसको हम तीन अलग अलग पार्ट्स में कम्प्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन, एमएस एक्सेल क्या है इसको समझेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट, ओपनिंग ऑफ सीट, एड्रेसिंग ऑफ सेल, सेलेक्टिंग, एडिंग, रीनेमिंग वर्कशीट, डेटा एंट्री, एडिटिंग डेटा, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग डेटा, इंसर्ट एंड डिलीट सेल, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स, फ्रीज, पेज ब्रेक, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, सेविंग वर्कबुक, वर्कबुक प्रोटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। तो आइए इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। जैसा कि आपको पता है, एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS Excel is a large sheet having data in and information stored in rows and columns. ये large amount of data rows और columns में store करता है। Excel is a very useful in entering, editing, analyzing and storing. यहाँ पर हम data को store कर सकते हैं, enter कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, और data को जो कि हमारा Excel sheet में stored है उसको analyze कर सकते हैं different criteria basis पे। यू कैन अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मीन्स यहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सॉर्टिंग ऑन डेटा, इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग या कई अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डेटा को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, मीन्स सॉर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। द बेसिक फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल 2007, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करेंगे 2007। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं उसको इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। इंटर एंड एडिट डेटा इन वर्कशीट, डेटा को हम कैसे इंटर करते हैं वर्कशीट में वो देखेंगे। मॉडिफाइंग अ वर्कशीट, वर्कशीट को हम मॉडिफाई करके देखेंगे कैसे मॉडिफाई होता है, इसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग, ये टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में कवर करना है। आइए इसका बेसिक एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सेल सीट होता है उसको ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा ऑफिस बटन, जैसा कि वर्ड में था सेम वैसे यहाँ पे ऑफिस बटन है। ये हमारे मेन्यू बार होते हैं जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेन्यू बार में दिया रहता है। ये हमारा टाइटल बार होता है जहाँ पर हम जिस भी सीट को जिस नाम से सेव करते हैं वो यहाँ पर शो होता है। फिर ये हमारा रिबन, रिबन में जैसे ही आप जो भी टैब ओपन करेंगे मेन्यू बार, उससे रिलेटेड ऑप्शंस जो होंगे वो रिबन्स पे दिखते हैं हमें। फिर यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का ऑप्शन रहता है। और ये जहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है ये हमारा फार्मूला बार होता है, यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करते हैं अगर हमें कहीं पर कोई फार्मूला अप्लाई करना है किसी भी सेल पर। और ये हमारा एक्टिव सेल होता है, जिस भी सेल पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिव सेल होगा जो कि इस तरीके से हाईलाइट होगा। और ये हमारा कॉलम नेम होता है जो कि ए बी सी डी इस तरीके से स्टार्ट होता है कॉलम नेम। और यहाँ पे ये रो हेडिंग्स हैं, मींस रो नेम, ये 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। और ये हमारे नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे सीट्स दिखती हैं। और यहाँ पे व्यू का मेन्यू रहता है, यहाँ पे आप डिफरेंट बेसिस पे आप व्यू कर सकते हो, कई अलग अलग व्यू के मेथड्स होते हैं यहाँ पे, हम उनको अप्लाई करके यहाँ पे अपनी वर्कशीट को या एक्सेल सीट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एक्सेल सीट। अब चलते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, जो भी इसमें सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें वर्कशीट कैसे ओपन करते हैं। हमें अगर अपने सिस्टम में वर्कशीट ओपन करनी है, एमएस एक्सेल ओपन करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाके क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे एमएस ऑफिस नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसको हमें ओपन करना है।
और उस फोल्डर के अंदर हमें एमएस ऑफिस के सारे एप्लीकेशंस या टूल्स दिखेंगे, उसमें से हमें एक एमएस एक्सेल ओपन करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एमएस एक्सेल, इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा लुक दिखेगा जैसा हमने अभी एक डायग्राम में देखा था। ये हमारा ऑफिस बटन है, ये हमारे मेन्यू बार्स हैं, और ये हमारा रिवन है, ये हमारा फॉर्मूला बार है, और ये हमारे सेल्स हैं। इसके बाद एड्रेस, यहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं ये सब क्या है, ये सेल हैं, यहाँ पे सेल्स हैं, और ये हमारे कॉलम्स हैं, और ये यहाँ पे रो है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल। हर एक सेल का इसमें एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जो कि यहाँ पे दिखता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारी सेल है, कॉलम नेम है ए और रो नेम है वन, तो हमारा इस सेल का एड्रेस होगा ए वन। ऐसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बी टू लिख के आता है, मीन्स कॉलम टू और सॉरी कॉलम बी और रो टू बी टू। इस तरीके से यहाँ पे हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस है जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमें अगर इस एक्सेल सीट में कुछ रेंज सेलेक्ट करनी है तो हम ये कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पूरा लिख के आता है एड्रेस इसका, ठीक। यही काम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इनकेस अगर हमारी एक्सेल सीट बहुत बड़ी होगी तो इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती। तो सेलेक्ट करने के लिए मान लीजिए हमें यहाँ पे A1 से स्टार्ट करना है और हम B15 तक की सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए B15 तक सेलेक्ट होके आ गया। ऐसे यहाँ पे अगर आप कुछ भी चाहें तो A1 से स्टार्ट करके हम यहाँ पे C12 तक चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप C12 लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा। टाइप करने के बाद इंटर करना होता है और ये सेल सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट एडिंग एंड रीनेमिंग सीट्स, यहाँ पे देखिए नीचे C1, C2, C3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कोई नई सीट ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे या इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सीट ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और किसी भी सीट को रीनेम करना है। जैसे अभी यहाँ C1, C2, C3, C4 लिखा हुआ है, ऐसे हम इस सीट का अलग अलग कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आता है, फिर आप इस सीट का कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे दे दिया सिंपल नेम, तो ये देख रहे हैं सीट वन चेंज हो गया नेम से। ऐसे आप किसी भी सेल का या सीट का नाम चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे। ऐसे यहाँ पे अगर किसी सीट को हमें डिलीट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ से सीट टू डिलीट हो चुका है। तो ये हुआ एडिंग एंड रीनेमिंग सीट्स। आगे देखते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में क्या है, आप नंबर्स डाल सकते हो 0 to 9, जितने भी टाइप के नंबर्स हैं वो सारे आप नंबर्स में टाइप कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आप टाइप कर सकते हो। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जैसे ABCD या कोई भी। और इन केस अगर आपको नंबर्स को एज अ टेक्स्ट टाइप करना है और चाहते हो कि उस पर कैलकुलेशन अप्लाई ना हो, तो आप उसको सिंगल कोड में रखेंगे और यहाँ पर जो भी नंबर टाइप करेंगे वो एज अ करेक्टर ट्रीट होगा और इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप डेट ऐड कर सकते हो। डेट कैसे ऐड करना है, जैसे हमें यहाँ पे 11/12/2017 ये ऐड करना, तो यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, हमने टाइप क्या किया था और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे हमने डेट डाला, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जर्नल लिख के आ रहा था, हमने एक फॉर्मेट टाइप किया डेट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट लिख के आ रहा है। इसको आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। जैसे आपको लॉन्ग डेट चाहिए तो आप इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए पूरा लिख के आ रहा है 11 December 2017। तो ये हुआ डेटा एंट्री। एडिटिंग डेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हम एडिट करना है तो उस सेल पे पहले क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मूला बार पे वही टेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं या कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमें सेल में ऐड हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस,
यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप किया ए, फिर यहाँ पे टाइप किया बी, और फिर यहाँ पे टाइप किया बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी। अब इसको हमें फाइंड करना है, तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट मेथड होता है, आप कंट्रोल एफ से भी कर सकते हो, और यहाँ पे होम बटन पे जब क्लिक करेंगे होम मेन्यू पे, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आता है, आप इससे भी कर सकते हो, या फिर कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड का विंडो ओपन होके आ जाएगा। जैसे हमें यहाँ फाइंड करना है ए, तो ए हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए वन बाय वन जहाँ जहाँ ए दिया हुआ है वहाँ वहाँ ये जाएगा, लेकिन ए एक ही बार दिया हुआ है। इनकेस अगर हमें बी फाइंड करना है तो यहाँ पे बी टाइप करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे ये बी है ऑटोमेटिकली स्विच करके जाएगा, और इनकेस बी को हमें किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस करना है, जैसे हमें बी को जेड से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे बी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, जेड से रिप्लेस हो गया। तो ऐसा आप फाइंड एंड रिप्लेस दोनों कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। इंसर्ट एंड डिलीट सेल, जैसे हमें यहाँ पे सेल्स को इंसर्ट करना है, ए बी है, यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया भी और कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा सेल चाहिए, यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर दिया। अब देखिए ए बी सी डी तीनों में टेक्स्ट पड़ा हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल होनी चाहिए, तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, देखिए एक न्यू सेल यहाँ पे ऐड हो गई। ऐसे आप कॉलम या रो दोनों के साथ ऐसा कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, देखिए नया रो ऐड हो गया, तो ये आप राइट क्लिक करेंगे सिंपली, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम या रो जो भी आप चाहेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स, रिसाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, आप सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से कॉलम्स को अगर बढ़ाना है तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो, और अगर हमें रो का साइज चेंज करना है तो आप माउस से सिंपली ड्रैग करके भी साइज इनका चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आती है, बराबर सेल नहीं होती हैं, तो इसके लिए हमारा एक दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। हम जाएंगे सबसे पहले होम पे, होम पे जाते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मेट सेल दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पे जाएंगे। अब हमें क्या फॉर्मेट करना है, रो फॉर्मेट करना है या कॉलम, दोनों का ऑप्शन है, रो की हाइट चेंज करनी है या फिर कॉलम की बेस चेंज करनी है, तो अभी हम रो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 44 दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि 20 हो जाए, तो हम यहाँ पे जैसे 20 टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इससे पूरा हमारा सीट सेलेक्ट हो जाएगा, इससे फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करते हैं 20, तो अब देखिए जितनी भी सेल्स हैं उनका साइज़ 20 हो गया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो साइज़ दिखाएगा भी 20, किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और ये साइज़ हमें दिखेगा 20, इट मीन्स यहाँ पे जो रो है वो 20 का साइज़ हो गया। ऐसे ही अगर हमें कॉलम्स चेंज करने हैं तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इससे पूरी सीट हमारी सेलेक्ट होती है, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स पे, जैसे यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं 20, तो देखिए जो भी कॉलम्स और रो का साइज़ चेंज हो गया, अब ये सारी सीट में यूनिक है, एक जैसा है। तो यहाँ पे रिसाइज रो एंड कॉलम्स हमने सीखा। मूव एंड कॉपी सेल, ये यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, इसको हमें कहीं दूसरी जगह पे ले जाना है या कॉपी करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, दूसरी सेल में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो, या कई सारा सेल है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है तो आप सिंपली उसको इस तरीके से सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस करिए, कंट्रोल प्रेस करने से ये पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अब इसको राइट क्लिक करके कॉपी करिए, या फिर आप कट भी कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ से मूव करना है यहाँ पे लेके आना है तो हम यहाँ पे कट करेंगे, पेस्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ से यहाँ पूरा डेटा मूव हो गया, ऐसे मूव कर सकते हैं हम। फ्रीज पैनल, अब इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे सीट ली है, इस सीट को हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कुछ डेटा इंसर्ट कर रखा है पहले से, स्टूडेंट नेम, हिंदी,
इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये हमारे सब्जेक्ट नेम्स हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है। मान लीजिए ये डेटा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम इस तरीके से जब भी इसको स्क्रॉल करते तो देखिए ऊपर इस कॉलम में कौन सा डेटा है ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे हमें पता करना है ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो नहीं दिख रहा है, तो इसको हम अगर चाहते हैं कि ये हेडिंग्स हमारी यहीं पे रहें और हम सीट को स्क्रॉल करते जाएँ, तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन होता है फ्रीज पैनल, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू पे। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे इन हेडिंग्स को, फिर हम जाएंगे व्यू पे और यहाँ पे फ्रीज पैन से एक ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज कर देंगे इसको, ये फ्रीज हो गया। अभी देखिए हम जब भी स्क्रॉल करेंगे तो ये हेडिंग्स मूव नहीं हो रही हैं। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे कुछ डेटा डालना है। डेटा कैसे अगर आपको सीरीज़ में डालना है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये हमने ये कर दिया है, अब देखिए ये फ्रीज है, ऑलरेडी फ्रीज है ये, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नेम परमानेंटली लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं फिर देखिए जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं नेम चला जाता है यहाँ पे। तो फ्रीज कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे व्यू पे, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर फ्रीज पैन पे आएंगे, फ्रीज पैन क्लिक करेंगे ये फ्रीज हो जाएगा, ये देखिए फ्रीज हो गया। यहाँ पे रो हमने फ्रीज की है तो रो है, बाकी कॉलम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा फ्रीज पेंस। फिर पेज ब्रेक, नेक्स्ट टॉपिक है पेज ब्रेक। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेज लेआउट पे जाएंगे पहले, ठीक है, पेज लेआउट पे जाएंगे, फिर पेज ब्रेक यहाँ पे दिखेगा कहीं पे, यहाँ पे हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। ये देखिए जहाँ से भी हमें पेज ब्रेक करना है, जैसे यहाँ से हमें ये वाला डेटा सिंगल पेज पे लेके आना है तो हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे इस डेटा को हमें सिंगल पेज पे डालना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये देखिए ये लाइन आ गई, मींस ये वाला डेटा सिर्फ सिंगल पेज पे आएगा। तो ऐसे आप पेज ब्रेक कर सकते हो और यहाँ पे रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी हमने कस्टमाइज करके पेज ब्रेक किया था वो हट गया है यहाँ से। ऐसे ही आते हैं पेज सेटअप, पेज सेटअप, फिर यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे साइज में मिलेगा, यहाँ पे मार्जिन और साइज पेज सेटअप में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब एक्सेल सीट में बहुत सारा डेटा होता है उसको अगर हमें सिंगल पेज पे क्लिक करना है देन हम यहाँ पे साइज़ में आएंगे और यहाँ पे मोर पेपर साइज़ में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फिट टू वन और यहाँ पे हम 1:1 करेंगे तो जो भी डेटा होगा वो हमारा सिंगल पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, आप दोनों में से कोई भी जो भी कम्फर्टेबल है आप ईज़िली यूज कर सकते हो और ओके करेंगे। अभी हमारा पेज सेटअप हो गया, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इसको, और इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, ये हमें अगर प्रिंट करते हैं तो ये पेज हमारा कुछ ऐसा आएगा। ऐसे ही वर्कशीट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ पे अगर कोई ओपन करता है तो इसको एडिट ना कर पाए या चेंज ना कर पाए। ये अगर एक्सेल सीट हम किसी के साथ शेयर करते हैं और यह चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कोई डिलीट ना कर पाए, यहाँ पे कोई नया इंसर्ट ना कर पाए या कोई रो या कॉलम ऐड ना कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले जाएंगे रिव्यू पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है। अभी देखिए हम इसको प्रोटेक्ट करने से पहले आपको दिखाते हैं यहाँ से कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 84 दिया हुआ था हम 56 कर रहे हैं, बाहर क्लिक करते हैं इजिली चेंज हो जा रहा है, किसी भी डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। और इसको जब प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिव्यू पे, प्रोटेक्ट सीट पे आएंगे, यहाँ पे हम कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं,
और हमें ओके करना होगा। ये कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, वापस हमने वही सेम पासवर्ड डाल दिया। अब ये हमारी सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज करने नहीं दे रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कॉलम इंसर्ट करना चाहेंगे तो देखिए कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन हाइड है। ऐसे अगर हम कोई रो इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये भी डिसेबल्ड है, तो इसको हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर से हम क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट पे, वापस जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे। ये पासवर्ड हमने गलत डाल दिया था, वापस यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड डालते हैं। ये पासवर्ड दिया हमने, ये हमारी सीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए पॉसिबल है। तो बेसिक पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।